बहनों भाइयों, लोकसभा चुनाव के तीन चरण पूरे हो चुके हैं। पूरे देश के अंदर आधा चुनाव संपन्न हो चुका है और अब चौथे चरण का चुनाव कल है। कल फिर 10 राज्यों में 96 सीटों पर चुनाव है, यानी अब तक तीसरे चरण आते आते जो अब तक देश के अंदर मोदी लहर थी, वो मोदी लहर अब एक सुनामी का रूप लेने जा रही है, क्योंकि जनता जनार्दन के मुंह से एक ही शब्द फूट रहा है। और बहनों भाइयों, वह है कि फिर एक बार अब की बार ये 400 पार। जब हम 400 पार की बात करते हैं तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन को चक्कर आने लगता है कि 400 पार कैसे होना है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे बताना चाहता हूं सबसे पहली बात कि कांग्रेस समर्थन के लिए किसी भी पार्टी को समर्थन करने के लिए पूरा बहुमत की सरकार बनाने के लिए 273 सीट चाहिए। कांग्रेस इतनी सीटों पर ही चुनाव नहीं लड़ पा रही पूरे देश के अंदर, तो क्या ये सरकार बनाएगी क्या? दूसरा है जो कांग्रेस मॉडल देना चाहती है, बहनों और भाइयों, उससे बचना, इसलिए बचना, मैं उसमें बाद में आता हूं। लेकिन जब देश के अंदर अलग अलग राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ, पश्चिम में पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण के मतदान के बाद जब भी हम जनता जनार्दन के पास गए, हमने कहा भी फिर एक बार मोदी सरकार आप चिल्ला रहे हैं, अब की बार 400 पार की बात कर रहे हैं, ये कैसे होगा? तो हर एक ओर से एक आवाज आती थी और आवाज क्या आती थी, लोग एक ही बात कहते थे कि जो राम को लाए हैं, और ये तो अवध क्षेत्र है, अवध क्षेत्र के लिए तो एक नया बिहान है, एक नया सवेरा है, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ है, अयोध्या में प्रभु रामलला विराजमान हुए हैं, और इसकी बधाई आप सबको।